हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल लियो द डॉगी शॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकुल आसीवाल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने पपी को बचपन से ही पॉट ट्रेन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे कस्टमर्स की हमारे पास ये शिकायत आती है कि वो अपने पपी की पॉटी करने की आदत से बहुत परेशान है। वो कमरे के अंदर, कमरे के बाहर जहाँ मर्जी पॉटी करते रहते हैं। आप अपनी इस परेशानी को भूल जाइए, क्योंकि इसका सलूशन हम आपको बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, जब भी आप अपने पपी को फीड देते हैं, उसके तुरंत बाद 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसको उस जगह ले जाइए जहाँ पर उसको पॉटी करानी है। बच्चा भी छोटा है, जिस वजह से हम उसको बाहर पॉटी कराने नहीं जा सकते, इसीलिए आप अपने कमरे के बाहर जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है, जैसे कि आपका मेन गेट हो गया, छत पर हो गया, या फिर टॉयलेट के अंदर हो गया, जहाँ भी आपको सफाई करने में आसानी हो, वहाँ उसको पॉटी कराइए। अगर आपके पपी का वैक्सीन लग चुका है तो ही उसको घर से बाहर पॉटी कराने के लिए ले आ सकते हैं। और इसके लिए भी कम से कम पपी की एज 3 महीने की होनी चाहिए। 2.5 से 3 महीने की एज के बाद ही उसको हम घर से बाहर पॉटी कराने के लिए ले जा सकते हैं। और अगर आपके डॉग का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसको घर के बाहर नहीं, बल्कि अपने घर के अंदर ही कमरे से बाहर, बाथरूम में, छत पर, या फिर टॉयलेट में, या मेन गेट पर कहीं भी उसको पॉटी करा लीजिए। इससे आपका डॉग जो है वहीं पर ही पॉटी करेगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही आप उसके अंदर बदलाव देखेंगे कि वो कमरे में पॉटी और टॉयलेट करना बिल्कुल बंद कर देगा। और अगर आपके पपी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसको अपने घर के अंदर ही पॉटी ट्रेन करें, जिससे कि वो आगे चलकर भी उस जगह पर ही उसको पॉटी ट्रेन करे जहाँ पर वो, अगर फ्यूचर में बड़े होने के बाद भी अगर उसकी हैबिट बिगड़ती है तो वहाँ पर आपको सफाई करने में आसानी हो। तो इसलिए वो कुछ ही 2-3 जगह उसकी सुनिश्चित कर लीजिए जहाँ पर उसको फ्रेश कराना है, वहीं पर ही पॉटी कराइए उसको। इसके अलावा कहीं और बिल्कुल मत कराइएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको वैक्सीनेशन वाले डॉग के लिए और अनवैक्सीनेटेड डॉग के लिए क्यों बोला है। वो इसलिए बोला है दोस्तों, क्योंकि जिन पपीज का वैक्सीनेशन हो जाता है उसको अगर आप घर से बाहर ले जाते हैं तो उसको इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि घर से बाहर स्ट्रीट डॉग्स भी घूमते हैं और काफ़ी सारी गंदगी होती है, तो उससे आपका पपी बीमार पड़ सकता है। इसलिए वैक्सीन लगे डॉग को ही घर से बाहर निकालें और अनवैक्सीनेटेड डॉग को हमेशा घर के अंदर ही रखिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप अपने पपी को फीड कराते हैं, चाहे वो दिन में 4 बार कराते हो या दिन में 3 बार कराते हो, हर बार फीड कराने के बाद ही उसको पॉटी कराने के लिए ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि उसी से उसकी हैबिट बनने वाली है। अगर आपको हमसे किसी टॉपिक पर कोई सजेशन चाहिए हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें।